मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह हमने जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग शुरू की है, सहूलत अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमारा प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की हमने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है ब्रोकर्स के लिए। वी होप के आगे चलकर ये मार्केट की ग्रोथ और बेहतरी के लिए ये बहुत मुफीद साबित होएंगे ये सारी डेवलपमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक खान है, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और आज मैं बहुत ही खुश, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली विज़िट है प्रेस क्लब में कराची में, और हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा सारे मेंबर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ, और जो मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह हमने जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग शुरू की है, सहूलत अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमारा प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की हमने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है ब्रोकर्स के लिए, इससे वी होप के आगे चलकर ये मार्केट की ग्रोथ और बेहतरी के लिए ये बहुत मुफीद साबित होएंगे ये सारी डेवलपमेंट्स। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज उनके रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं। मार्केट इस वक्त मैक्रो इश्यूज की वजह से नीचे आई हुई है, मगर आई थिंक ज़्यादातर कमेंटेटर्स का ख्याल है कि ये एक अच्छी लेवल है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी और प्राइस अर्निंग रेशो के हिसाब से भी। वी होप कि ये जो विज़िट है, और मैं मीडिया की ओर से भी रिक्वेस्ट हमारी यही थी यहाँ पे इस विज़िट पर कि वो कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने हमारे जनरल पॉपुलेशन को ज़्यादा एजुकेट करें। कोविड के बहुत चैलेंजेस रहे थे मार्केट में, और मगर उसके बाद भी हमारे जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स ग्रो किए हैं, हमारे IPOs जो हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर हैं, पिछले कई सालों से इतने IPOs नहीं हुए जितने पिछले एक साल में हुए। सो ओवरऑल जो है वो ग्रोथ रही है मार्केट में। मार्केट की लेवल ज़ाहिर है ऊपर नीचे जाती हैं, मगर ये जो दो मेन हैं पैरामीटर्स के नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स ग्रो हुए हैं या नहीं, वो भी हुए हैं, और नंबर ऑफ़ नई लिस्टिंग्स भी ग्रो हुई हैं।